उठाने वाला है, कपड़ा उठा रहा तो वही उठाने वाला है, वो तो डिजिटल हो नहीं सकता, राइट। तो अगर उसे डिजिटल करना है तो क्या करना है, तो रोबोटिक्स को आना, जिसके लिए अभी समय है, रोबोटिक्स आएगा, एक टाइम आएगा कि मजदूर को तगार का पावर नहीं उठाने पड़े, अभी वो समय है। पहले हम लोग कॉन्क्रीट सिर्फ साइट पर बनाते थे, मिक्सर मशीन मैन्युअल सबसे पहले देखेंगे तो वो करके बनाते थे, अब जाते हैं तो मिक्सर मशीन आ गए, ऊपर आरएमसी प्लांट भी आ गए, तो ह्यूमंस की रिक्वायरमेंट कम होती है। इसका ये मतलब नहीं है कि ह्यूमंस को जॉब नहीं मिलेगी या ह्यूमंस को काम नहीं मिलेगा, इट इज समथिंग कि हम लोग अपनी प्रोसेस को ज्यादा फास्ट बना रहे हैं, ज्यादा इफेक्टिव बना रहे हैं, ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड बना रहे हैं। सो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा है, डिजिटाइजेशन। डिजिटाइजेशन से हमें मिलता है फैसिलिटी, किस किसी का तो डेटा को अच्छे से कंपाइल करके एक्यूरेसी बढ़ाने की फैसिलिटी, डेटा का मैनेजमेंट बहुत इजी हो जाता है। जैसे आपने 10 साल पहले कोई चीज खरीदी हो उसका रिकॉर्ड आज आपके पास मिलेगा नहीं, पर अगर वही चीज आपने अमेजोन से खरीदी है तो योर ऑर्डर्स में जाके देख लोगे, तो डेटा है। डेटा क्यों चाहिए जब चीजों में तकलीफ आ, जैसे आपने 10 दिन पहले कोई जूते खरीदे तो आज खराब, आपको याद नहीं है कि बिल कहाँ पड़ा हो, लेकिन अगर अमेजोन से या किसी और वेबसाइट से मंगाए हैं तो आपके पास डेट भी है, ओरिजिन भी है, सिलेक्शन भी है, सब कुछ, यू डोंट नीड टू फाइंड डेटा। सो डेटा है, आपको फैसिलिटेट करता है, राइट। आगे बढ़ते हैं एनवायरमेंट फ्रेंडली, अब आपको घर पे फाइल नहीं रखनी पड़ेगी कि ये सारे बिल्स लेके आओ और इसमें डालो, नो नीड, फोटोग्राफ ले लो, मतलब मोबाइल में सब कुछ आ गया, मोबाइल में मेमोरी फुल हो गई तो कंप्यूटर में डाल दो, कंप्यूटर में फुल हो गई तो क्लाउड पे डाल दो। सो हम कहीं रुक नहीं रहे, हमारे पास अभी ऐसा एक भी रीजन नहीं है ये बोलने के लिए कि मुझे ये पेपर लिखना ही पड़ेगा, मुझे ये पेपर संभाल के रखना पड़ेगा, ये रूम नहीं होना चाहिए। ये सभी शब्दों का हमारे पास अभी जवाब है डिजिटाइजेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डिजिटल जर्नी क्या है, तो मैंने जो अभी बताया कि हम कावड़े से मिक्स करते थे और अभी आरएमसी क्लाइंट्स में आ गए, दैट इज आवर सिविल इंजीनियरिंग का डिजिटल जर्नी। पहले आपको पता होगा तो मुठ्ठा में मेजरमेंट होता, ठीक है। अब आप देखो तो टेप्स आ गए, पहले 3 मीटर की टेप आती, उससे पहले चेन आ गया, सर्वेयर सर्वे में बड़ा होगा, ठीक है, चेन सर्वे आया आपका, प्लेन टेबल सर्वे आया होगा, सो वो सब सर्वे होते। अब थियोडोलाइट आ गया, ऑटो लेवल आ गया, जीपीएस सर्वे आ गया, मतलब लेस मैन पावर मैक्सिमम एक्यूरेसी, ठीक है। सो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम ग्रोथ कर रहे हैं, और ग्रोथ इस तरह से कर रहे हैं कि जो पहले की प्रोसेसेस थी या पहले के जो मूलभूत चीजें जिसके बगैर लगता था कि इसके बगैर तो कैसे काम होगा, उससे हम आगे बढ़ रहे हैं और एक्यूरेसी लेवल बढ़ रहा है, स्पीड बढ़ रही है। और सबसे बड़ी चीज एनवायरमेंट को हम लोग बचा रहे हैं, हम लोग मतलब हम मीन्स यू ऑल्सो एज अ हम, आप मेरे साथ, आप डिजिटल जर्नी का लेक्चर ले रहे हो, मीन्स आप यहाँ से कुछ नहीं तो 2% तो कुछ लेके जाओगे, ठीक है। अभी ये जो बोल रहा हूँ वो आपको लेना नहीं क्योंकि वो आपको फ्यूचर में काम आएगा, बट मैं जो एंड में आपको घर ले जाने वाली चीज बताने वाला हूँ उसको एक्सेप्ट करने के लिए ये सब जरूरी है, ठीक है। शेपिंग सिविल इंजीनियरिंग, जैसे मैंने बोला कि हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं हर एक दिशा में, कोई भी एक एरिया ऐसा, जैसे आपने बहुत सारी फील्ड विजिट की होंगी अभी तक, एटलीस्ट 3 तो की होंगी, राइट, तो 3 में से कोई भी एक साइड विजिट में आपको ऐसा लगा हो कि ये चीज कैसे हो रही, कोई एक क्वेश्चन है आपके पास ऐसा, या कोई एक विजिट आपने की उसके बारे में मुझे बता सके कोई खड़ा हो, एनीवन, यस सर यू कैन टेल मी समथिंग, ये खड़े हो जाए मेंशन कर दीजिए, हां तो पीछे बात आपने कौन सी साइड विजिट किया, हमारे कॉलेज कैंपस में जो बन रही थी पान पान से बिल्डिंग, तो क्या देखा हो, हां सर जो घर बना थी सर, चलिए कौन से कलर के, ग्रे, कौन से कलर, ग्रे, ग्रे कलर के, मतलब वो सर पक्की बात है, हां चलो वेरी नाइस, कंक्रीट कौन सा कलर का, कौन से कलर का, ग्रे सर, सरिये कलर का, सरिये तो ग्रे कलर के, मतलब कंक्रीट भी ग्रे कलर का, कंक्रीट में क्या-क्या डाला था पता किया आपने, क्या डाला था, नहीं सर सब वो जो वाटर होता है फिर फॉर्म अपने सीमेंट होते हैं वाटर होता है फिर कंक्रीट का वो अच्छा एग्रीगेट होते हैं सैंड और सी है वो सब मिक्सिंग होता है केमिकल वगैरह कुछ डालते हैं एंड मिक्सर डाला पहले तो नहीं डालते
अभी सर जरूरत होती है तो डालते हैं। तो क्या जरूरत उसको उसके टेस्ट प्लान चलाने के लिए? तो हम ज़्यादा सीमेंट डाल के सेफ्टी बढ़ा सर, वो सर उसका प्रपोजल के हिसाब से। चलो वेरी नाइस आंसर। तो जैसे क्या बताया? हाँ सर प्रजापति अल्पेश। सो अल्पेश मैंने जैसे मैं बताया कि केमिकल्स ऐड होते हैं, तो क्या 10 साल पहले केमिकल थे? नहीं। तो केमिकल में भी हम आगे बढ़ रहे हैं, उससे क्या हमें मिलता है? स्ट्रेंथ मिलती है, सेटिंग टाइम में इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है, क्रैक्स नहीं आते हैं, क्योरिंग कंपाउंड हमें मिल गया है तो हमें पानी बचा सकते हैं। अगर आपको कोई कॉन्क्रीट को क्योर नहीं करना तो कॉन्क्रीटिंग होने के बाद आप उसके ऊपर क्योरिंग कंपाउंड लगा दीजिए तो वो अपने आप क्योर होता रहेगा। यू डोंट नीड टू स्प्रिंकल वाटर, कितना सारा पानी बचेगा है। राजस्थान में कंस्ट्रक्शन करना हो, मेघालय में कंस्ट्रक्शन करना हो तो कैसे करेंगे, वहाँ पानी है ही। तो ये सब चीज़ों की वजह से वो मुमकिन है, ठीक है। सो दैट इज हाउ वी आर मूविंग। एनवायरमेंट इम्पैक्ट मैंने अभी बताया, हम पानी बचा रहे हैं। देन एश्योरिंग पॉजिटिव ग्रोथ इन सोसाइटी, जैसे केमिकल्स यूज किए तो स्ट्रेंथ अच्छी आई, अच्छी आई उसकी लाइफ बढ़ी ऑब्वियसली सोसाइटी के लिए एक रिकरिंग कॉस्ट जो था वो कम हो गया। सो रिलेटेड हो गया। बेनिफिट्स क्या है? एबिलिटी जो है यूटिलाइजेशन ऑफ द प्रोजेक्ट डेटा, उसकी एबिलिटी बढ़ी। जैसे मैंने अमेजोन का एग्जाम्पल दिया। मैं आपको अगर एक चीज बताऊं कि सिविल इंजीनियरिंग में जब आप प्रोजेक्ट्स के ऊपर जाते हैं तो कॉलेज में आपको क्या सिखाया जाता है, जैसे आप जो सीखते हो उसकी समरी आपको वाइवा में बनानी होती है, फाइल में बनानी होती है, या इन टर्म्स ऑफ पेपर्स बनानी होती है, आप अपने नोट्स भी लेते हो, राइट। सेम चीज फील्ड पे भी काम आती है, सिर्फ डिफरेंट तरीके से। आपने पूरे दिन में जो किया उसका शाम को रिपोर्ट देना होगा, दैट इज अ डेली प्रोग्रेस। आप पूरे वीक में क्यूमुलेटिवली जो करोगे उसका वीकली प्रोग्रेस होता है, मंथली प्रोग्रेस होता है, एनुअल समरी है, उसमें सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं। सो प्रोग्रेस तीन तरह से मार्क किया जाता है। सबसे पहला आता है टाइम, कि आपने क्या टाइम पूरा डिसाइड किया था और हर दिन में कितना अचीव करना था, सो वो आपको डेली टू डेली ट्रैक करना है। सेम एज योर वाइवा, कि आपने इस सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट में सीखा है उसमें से मैम सवाल करेंगे, तो हमें सवाल कोई नहीं कर रहा लेकिन हम खुद ही जवाब देंगे। वीक में भी यही होता है कि ये वीक का प्लानिंग ये था वर्सेस अचीव ये। सेम कॉस्ट में होता है, जैसे आपने प्रोजेक्ट किया बजट रखा होगा, घर से निकलते हैं कपड़े खरीदने के लिए बजट रखते हैं कि 400 में तो टी शर्ट आ ही जानी चाहिए, तभी 100 रुपये का नाश्ता होगा, लेकिन 500 रुपये का तो नाश्ते का बजट बचेगा, राइट। सो आप प्लान करते हो, सो प्रोजेक्ट में भी प्लान करना पड़ता है कि इस आइटम में अगर आपने इतने रुपये डाले तो ही पूरा प्रोजेक्ट इतने रुपये में खत्म होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। सो वो प्लानिंग को ट्रैक भी करना ऑन डेली बेसिस, मंथली बेसिस, वीकली बेसिस। सो दैट इज अवर डेटा। अब वो सब डेटा मैं आपको बोलूँ, क्या पेन और पेपर लेके घिसो तो 6 महीने में कम से कम 2000 से ज्यादा पेजेस हो जाएंगे आपके। चलो वो तो आपने कर भी दिया एज अ सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट तो कर सकते, ठीक है। बट मैंने ऐसा बोला कि सेकेंड मंथ का डेटा निकल के ला, उसमें तीसरी तारीख का डीपीआर मुझे चाहिए, तो 10 से 12 घंटा लगेंगे उसको ढूंढने के लिए। इसीलिए ये सब चीजें होती है सॉफ्टवेयर के, बजट, टाइमलाइन, डीपीआर, वीकली प्रोग्रेस, ये सभी चीजें होती है कंप्यूटर के, हाथ से आप अपने रेफरेंस के लिए डेटा को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा टाइम भी बच जाता है, जैसे मैंने बताया कि 10-12 घंटे नहीं लगते हैं, 10-15 मिनट में हम रिकॉर्ड को ढूंढ सकते हैं। एफिशिएंसी और एक्यूरेसी बढ़ जाती है, जैसे एक ही चीज अगर आपको रोज लिखनी है जैसे डीपीआर, उसमें लेफ्ट कॉलम सेम रहता है, लेफ्ट कॉलम मतलब किस चीज का आप जवाब देते हैं, मैनपावर कितना था, मटेरियल कितना है, उसमें सवाल तो सेम रहते हैं। तो आप अगर रोज लिखोगे तो रोज ही रोज सवाल भी लिखना पड़ेगा, जवाब भी लिखना पड़ेगा। बट अगर वही चीज डिजिटल में हो रही है तो आपने लेफ्ट कॉलम कॉपी किया, पेस्ट किया और राइट कॉलम के आंसर्स को आपने फिर से लिखा, राइट। तो क्वेश्चन पेपर सेम रहा लेकिन उसकी बहुत सारी जेरॉक्स नहीं है, ये डिजिटल सब पेपर नहीं यूज कर। बिकम अ गुड लीडर, यहां पे कोई भी एक अच्छा व्यक्ति जो अपने आप को लीडर कंसिडर करता है या जिसने टेक फेस्ट में लीडरशिप की हो वो खड़ा हो सकता है। अरे कम ऑन, मैं कोई प्यारे वाले नहीं देना, आपको तो देते हो नहीं करना, तो देते हो ना, अरे आप वो प्राप्त कर वो साल। चलो कम ऑन, मेल फीमेल एनीवन, वो लीडर है नहीं कोई। अरे हां एक बार एग्जाम आप भी आ जाओ एक फेस्ट में मेरी ऐसा लीडर हो। यस वेरी गुड। आपका नाम? मैं सुमित कुलवाणी, सीआर। सीआर तो बताओ लीडर कैसा होता है?
लीडर जो सबके ऊपर कमांड रख सके, एक जो कम्युनिकेशन का मोड मेंटेन कर सके स्टूडेंट्स और खुद के बीच में। वेरी नाइस, आपके हिसाब से लीडर कैसा होना चाहिए? सर मेरे हिसाब से मतलब खुद भी दूसरों को देखकर सीखे और खुद में जो क्वालिटी है वो दूसरों को भी बताए ताकि सब क्वालिटी टोके अच्छे से किसी वर्क को कंप्लीट करें। राइट, अभी ये दोनों जो बोल रहे हैं उसमें कितने लोग सहमत होते हैं? आप लोग मैं बोला तो सबको आंसर देना ठीक है। तो मैं मेरे शब्दों पे काया हूँ, मैं नाम बोला वो हमें बताए कि लीडर कैसा होना चाहिए। प्लीज सर आप बताएं कि आप सर जो पीछे देखा वही साहब। यस चलो पीछे और आंसर करें। यस प्लीज योर नेम एंड देन आंसर। मेरे ख्याल से ट्रू लीडर तो वही होगा जो साइड पे वो छोटे सा छोटा लेबर भी काम कर रहा है उसको अप्रिशिएट करे और उसे वो काम मतलब इंस्ट्रक्शन दे भी पाए और खुद काम करना पड़े तो वो कर भी ले लीडर। तो मेरे ख्याल से लीडर वो करेगा। अब इनसे भी जो सहमत नहीं होते हैं वो हाथ उठाए। तो सबसे अच्छा लीडर मैं हूँ। कैसे कैसे तो बताएगा कैसे मैं अच्छा लीडर बना यहाँ पे? सो सबको मेरी बात के साथ एग्री कराए। आप कोई भी डिसीजन अगर किसी को बताते हैं जैसे बेस्ट एग्जाम बैठे जैसे आपके डैडी ने आपको बोला कि आज साझे 5 बजे तू घरे गई, डैडी इज लीडर ऑफ तो क्या बात चल रही है? नहीं क्योंकि आपको नहीं आना है 5 बजे बराबर ना। आपको वो ऐसा बोले कि तू 11 बजे पहले घरे नहीं आओ वो भी नहीं, क्यों? क्योंकि आपकी मर्जी नहीं है 11 बजे आना कि 5 बजे आना, वो आपके पापा की मर्जी। मम्मी ने प्यार से 100 रुपए पापा को बताए बगैर आपको दे चाचा चा सब कुछ आज तो मजा आ गया। राइट, सो उसे भी लीडरशिप मिली। लीडरशिप इज कि आपके पापा आपको पूछे कि तेरे शेड्यूल के हिसाब से आज तू घर कितने बजे आए और आप बताओ कि मैं 10 बजे आऊँ और आपके पापा ऐसा बोले कि 10 बजे बहुत लेट हो जाएगा कैन यू कम एट 9:30 और आप उसको एग्री करो, दैट इज अ गुड लीडर। कोई भी चीज किसी के भी ऊपर आप थोप नहीं सकते। एक लीडर के तरह आपको पता होना चाहिए कि आप जिसे भी कोई भी काम अगर अलॉट कर रहे तो क्या उसके अंदर वो स्किल्स है जिसके वजह से उसका रिजल्ट आएगा। तो मुझे केमिस्ट्री नहीं पसंद और मुझे कोई बोले कि केमिस्ट्री का लेक्चर लो मैं कॉलेज छोड़ दूं पैसा पर लेक्चर लेने नहीं जाऊंगा, मुझे आता ही नहीं है, आई डोंट नो। और इसे एक्सेप्ट करने में कोई गलत बात नहीं, कोई भी चीज जो आपको नहीं आती है सबसे पहला करो उसे एक्सेप्ट मत करो। डोंट शो ऑफ, डोंट करने की जरूरत नहीं है कि मुझे आता है, क्या फायदा? अगर आपको बोल दिया 50 आदमी के सामने कि जाओ आता है तो करके दिखाओ तो जाएगी ना इज्जत, तो क्यों ऐसा फालतू में मना लेना? सो एक्सेप्टेंस आपको होना चाहिए। प्रायोरिटी सेट, जो अच्छा लीडर होता है वो किसी भी डिलीवरेबल की प्रायोरिटी सेट आपके तक वो चीज को लाने से पहले उसके लिए जितना भी संघर्ष होता है वो एक अच्छा लीडर करता है। जैसे सबको पता है कि अभी सबका इंटर्नशिप चल रहा है, किसी के वाइवा चल रहे होंगे, तो क्लास सीनियर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सर से पहले ही संघर्ष करेंगे, सर अभी तो वाइवा चल रहा है, आई रिक्वेस्ट यू टू नॉट पुट दिस लेक्चर, हम लोग सब प्रिपरेशन में बिजी हैं। बट फिर भी अगर सर नहीं मानते तो फिर उसे आप लोगों को कन्विंस करना। तो पहला लीडरशिप का काम तो किया भाई आपने, नहीं किया ना बोल रहे ऐसा कर दिया आपने, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो अच्छा लीडर वही होता है जो अपने आप से पहले बाकी सबका भी सोचे और कोई भी काम में हाँ बोलने से पहले खुद अपनी एबिलिटी चेक करे। सो आप तीनों के आंसर सही थे, खुद की एबिलिटी चेक करो कि अगर मेरे ग्रुप में से या मेरे लीडरशिप में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उसमें से कोई भी ये काम नहीं कर पाया तो क्या मैं खुद वो काम करने के लायक हूँ या मुझे आता है। सेकेंड, कोई भी जगह पे कमिटमेंट देने से पहले वो आप लोगों की सहमति लेता है या नहीं, जहां भी आपका वीकनेस है क्या वो आपकी स्ट्रेंथ बन के वहां खड़ा रहता है? अगर ये तीनों चीजें हो रही है तो द पर्सन इज अ गुड लीडर। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। सो सॉफ्टवेयर, अब आते हैं सबसे प्रिय सब्जेक्ट के ऊपर।
जैसे यहाँ मैं देख रहा हूँ कि काफी सारे लोगों ने अपने मोबाइल कम से कम 20 बार चेक किया, प्रेजेंटेशन हो रहा है लेकिन 20 बार मोबाइल ऐसे चेक कर लिए, राइट। सो उसी की बात हम लोग करने वाले। तो सबसे बड़ी बात आती है, जैसे मैंने बताया कि हमको बहुत सारे डेटा बनाने पड़ते हैं, प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाने पड़ते हैं, एनालिसिस करना पड़ता है, नीड वेरिफिकेशन करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ 11 आइटम्स लिखे हैं जिसमें सॉफ्टवेयर हमें सपोर्ट करते हैं। कैसे सपोर्ट करते हैं? टू यूटिलाइज इट, टू मेक इट फास्टर, टू मेक अस मोर एफिशिएंट। और कोई भी प्रोजेक्ट जो होता है कंस्ट्रक्शन साइट होती है तो वो शुरू कहाँ से होती है? वो शुरू डिजाइन से, डिजाइन से वो जाती है रिसोर्सेज को, रिसोर्सेज के ऊपर से जाती है प्रोजेक्ट्स कि जो मैनेजमेंट पीपल होते हैं उनके पास है, एंड देन फाइनेंशियल नक्की होता है और फिर कंस्ट्रक्शन शुरू होता है। तो देखो सबसे बड़ा सिंबल क्या है, कौन बताएगा? खड़े होकर प्लीज, थोड़ी हिम्मत तो दिखाओ यार, फाइनल ईयर में आ गए हो, खड़े होकर बोलो यार, सीआर होता है सर, बैठे हो नेटवर्क, हां नेटवर्क, ओके। थोड़ा और स्पेसिफिक जाए तो कोई और, वाईफाई, वाईफाई यार मौका नहीं दे रहे हो, तो उसके पीछे क्या है? ये जो हिस्सा है, ये क्या है? खड़े हो बोलो ना, ऐसे जब झुंड में हमला तो फिर पता है ना कौन करता है। यस चश्मे वाले भाई, शायद आपका चश्मा ठीक हो गया, कम ऑन आंसर, कम ऑन, थोड़ा जोर से तो बोलिए। तो यहाँ आके देखो, इसने अपॉर्चुनिटी ग्रैब की तो मैं भी थोड़ा शो ऑफ तो करूँ, कम ऑन, ठीक है? ये वाला हिस्सा क्या है? ओके, क्या उठा रहा है बच्चों? तो साइट के ऊपर हमें वेट लिफ्टिंग के लिए जो मशीन यूज होती है उसे क्या बोलते हैं? क्रेन बोलते हैं। तो टावर क्रेन से कितने लोग सहमत होते हैं? हाथ ऊपर, एक ही बंदा टावर क्रेन, वो भी कम हो गया, डिस्कशन करके जल्दी दोनों हाथ ऊपर, नहीं टावर क्रेन नहीं है, आपका सुन लिया रोहित भाई, रोहित भाई देखो नाम भी याद हो गया तुम्हें, सो टावर क्रेन नहीं है, ये है नहीं है वाले हाथ ऊपर करे, चलो मुझे तो हाथ ऊपर कराने का उसमें भी तो है क्या भाई दोनों भी ना बोले, चलो एक काम करते हैं, एक और क्वेश्चन जिसे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या है, वो लोग हाथ ऊपर, उसमें तो करते कम से कम, क्या भाई अच्छे वाले अभी भी कंफ्यूजन में, सवाल क्या पूछा, हाँ नहीं, चलो ठीक है तो बताता हूँ, ये टावर क्रेन ही है, ठीक है, यूजुअली ये साइट्स के ऊपर मटेरियल को लिफ्ट करने के लिए यूज होती है, जब हम हाई राइज या स्काईस्क्रैपर बनाते हैं तो मैन्युअली कितना मटेरियल हम उठा के ऊपर ले जाएंगे, बहुत कम, और अगर ले जाएंगे तो ऑब्वियसली टाइम ज्यादा लगेगा, एफर्ट ज्यादा लगेगा, कॉस्ट ज्यादा लगेगा, तो उन सबको रिड्यूस करने के लिए हम लोग टावर क्रेन यूज करते हैं। सादी भाषा में बोलूं तो जो स्काईस्क्रैपर में आप 10वें माले पे, 12वें माले पे, 20वें माले पे रह रहे हैं में जाने के लिए आपको लिफ्ट, राइट, तो उसे अच्छी भाषा में हम एलिवेटर बोलते हैं, क्योंकि वो ह्यूमंस को ले जाता है, और ह्यूमंस को नहीं ले जाने वाले लिफ्ट को क्या बोलते हैं? गुड्स एलिवेटर, ठीक है, जैसे गुड्स ट्रेन आती है, जैसे गुड्स एलिवेटर भी आता है, अब उसी गुड्स एलिवेटर का बेसिक फंडामेंटल लेके मटीरियल ट्रेन बनाएंगे। सो मटीरियल ट्रेन, और अब ये जो सिंबल दिख रहा है वो तो काफी सालों में यहाँ पे भी कराया था, बीच में बहुत फोटो भी वायरल हुआ था, इफ यू रिमेंबर, कि किसी ने वाईफाई का सिंबल अपने पीछे हेलमेट करा दिया, है ना, याद आ रहा है, व्हाट्सएप पे मैं भी एक्टिव हूँ, सो वो वाईफाई, सो नेटवर्क, वाईफाई, सिस्टम, सिस्टम मींस मैं कंप्यूटर, लैपटॉप, आईपैड सबको सिस्टम की तरह बात करूंगा, सो सिस्टम एंड द इक्विपमेंट्स। अब वो उससे क्या कर रहा है? क्रेन को ऑपरेट कर रहा है, तो क्या कर रहा है? और मैंने रखी,
तो मैं चाहूंगा वही वो करेगा, राइट? अरे बता, तो हाँ बोलो सपोज, तो फिर से मैं अच्छा लीडर हूँ, ठीक है? तो मेनली वो डेटा शेयर कर रहा है कि उसे आज के दिन में कितना काम खत्म करना है और वो क्रेन के ऊपर चले बगैर करता है, जहां वो खड़ा है या जहां वो बैठा है वहीं से, ठीक है? नेक्स्ट। तो ये थोड़े बहुत एकदम बेसिक वाले सॉफ्टवेयर जिसके बारे में आपको पता ही हो। तो मुझे एक एक करके कलर्स और कलर्स के लिए मैं बोलूंगा सिविल इंजीनियर का कलर ब्लाइंड, हमारे लिए दो ही कलर आते हैं ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है? इससे ज्यादा हमें कलर के बारे में बात नहीं करनी, क्यों पता है? क्योंकि हम बोलेंगे पिंक अच्छा लगता है और क्लाइंट आके बोलेगा नहीं नहीं रेड अच्छा लगता, पर वही चीज आर्किटेक्ट आके बोलेगा कि नहीं नहीं ब्लैक इज मोर सूटेबल, बोलेगा यस मैम अच्छा लगता, क्योंकि वो आर्किटेक्ट है, वो डेजिग्नेटेड है वो डिसीजन देने के लिए, हमारे लिए ब्लैक एंड व्हाइट सिंपल, ठीक है? तो कलर्स पर ही जाते हैं। सो मैं एक एक करके पूछूं तो आप लोग बता पाएंगे कि ये सॉफ्टवेयर कौन से हैं? जैसे बीच में वो जी वाला सबको पता होगा, वो गूगल है, ठीक है? लेकिन उसके आगे भी कोड लगाया है। लेकिन उसमें डिपार्टमेंट हो गया, वैसे ऑटोमेट में कितने सॉफ्टवेयर आते हैं? यस सर, फिर से ऑटोडेस्क कंपनी का नाम ऑटोकैड, फिर बस आप लोग रेज्यूम बनाने इतने लंबे लंबे लिस्ट बनाते हैं, ऑटोकैड ये ऑटोकैड वो ऑटोकैड ये बोलते बोला बोलते बोल दिया। अच्छा पहले ही हम यहाँ शिट यार जल्दी आ, कोई बात नहीं बैठो, बस हिम्मत दिला दे कहाँ यहाँ तक आ गए। तो एनीवन फ्रॉम दिस रो, दोनों ही रो एकदम आराम से, मतलब चेक करो मोबाइल तो नहीं है सबके हाथ में, यस? उसमें भी दो आते बोलो यार, जोर से बोलो, चलो मैं खड़ा नहीं करूंगा, जोर से बोलो ऐसे बोलते हैं ऐसे, वो मैडम तो मास्क में पहना है तो पता नहीं चलेगा कौन बोला। एमईपीएन स्ट्रक्चर आता है रैबिट, चलो ठीक है, एक सच एक गलत, तो ये गलत को सही कौन करेगा? कोई उसे बोलो फाइनल, चलो ठीक है आगे आगे बढ़ा चलेगा। फिर ये कौन सा सॉफ्टवेयर है? ये जो सी लिखा है इसमें रेड कलर का डॉट है, नहीं पता? बहुत इजी है, चलो ठीक है नेक्स्ट। ये जो बीच में गोल के बीच में आंख जैसा बना है वो क्या? आपके पास सर्टिफिकेट भी है इजी, पूरा फॉर्म बताओ, डिजिटल क्वालिटी, डिजिटल क्वालिटी, वेरी गुड। देन ये एक्स को सब पहचानते हैं, एक्सेस देखा अधूरा बोला ना, किसने बनाया था? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। फिर ये एक्स को भी पहचानते हैं आप लोग, वो जो ऐसा प्लेन जैसा बना हुआ है ये इसको पहचानते हैं आप? ये पी को पहचानते हैं, और ये वाला किसी प्राइमर, बोलो प्राइमर, मेरा वेरी वेरी। तो नेक्स्ट स्लाइड, अब सबके नाम तो सबका एनालिसिस हो गया, जो हाथ में लिखा था वो सब सही है, साथ जाते हैं वापस बैक टू फोकस। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है,
इसके ऊपर आई रिक्वेस्ट एवरीवन नॉट टू टॉक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एंटायर प्रेजेंटेशन प्लीज फोकस ऑन दिस पार्ट इन सॉफ्टवेयर में से कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो आप ऑलरेडी सीख चुके हैं ऑटोकैड सबने सीखा पावर एक्सेल गूगल इन तीनों के सर्टिफिकेट हैं आप तो कैसे बोलते हो ये सीख चुके हैं? I'm serious now. आप कैसे बोल सकते हैं कि आप इसे सीख चुके हैं? आपको बाइक चलानी आ गई, लेकिन लाइसेंस नहीं है। तो क्या आप ऑथोराइज्ड ड्राइवर हैं? आपको लाइसेंस मिल गया, फिर भी ऐसा एश्योरेंस है कि आप एक्सीडेंट नहीं करेंगे? तो यहां आप कैसे बोल सकते हैं बिना सर्टिफिकेट के कि आपको ये सॉफ्टवेयर आता है या आप सीख गए? नहीं बता सकते, राइट? जब तक आपको कोई ऑथोराइज्ड वेबसाइट या ऑथोराइज्ड इंस्टीट्यूट उसका सर्टिफिकेशन नहीं है, तब तक आप ये नहीं बोल सकते कि आई एम सर्टिफाइड फॉर दिस या ये चीज मुझे आती है, क्योंकि हमारी कोई वैल्यू नहीं, हमारे शब्दों की कोई वैल्यू नहीं है। मैं अगर यहाँ पे कुछ बोल रहा हूँ उसकी कोई वैल्यू नहीं, जब तक वो आप अपने आप में अंदर जाके डूब के देखें, चेक करें और एनालाइज करें और फिर कुछ उसके ऊपर एक्शन हो, तब तक मेरे शब्दों की कोई वैल्यू नहीं, ठीक है? सो एक्सेल अगर आपको लगता है कि आपको आता है, तो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग किसको आता है? तो आपको एक्सेल नहीं है, सिर्फ गुणाकार, भागाकार, प्लस माइनस या टाइपिंग इतना करने से अगर आपको लगता है कि एक्सेल आता है, तो कुछ भी नहीं है, एक्सेल उससे कहीं ज्यादा है। पावर पॉइंट, पावर पॉइंट में आपको लगता है कि आपने एक अच्छी स्लाइड डिजाइन कर ली, पीछे से वो फ्लावर वाला बैकग्राउंड भी ले लिया और बुल्डन इफेक्ट दे दिया और पीछे थैंक यू, तो हो गया पावर पॉइंट? नहीं, पावर पॉइंट उतना ही नहीं कर सकता। सो इट इज बेसिक एक्सेप्शन। हमको कैसा लगता है कि अरे ये तो आवड़े, और फिर पेपर में चार सवाल ना पता चलता है मार्क्स, है ना? ऐसा बहुत बार हुआ होगा कि आप जब चीजों को समझने की ट्राई करते हो तो आपको लगता है ये बार आता ही है ना, उसमें क्या है, एस्टिमेशन है ना, हम तो चार दिवस लड़वाने, पर जब बोलो करने के लिए बोलो तब पता चलता है कि भाई नहीं आता है। सो भ्रम में मत, जो चीज मैंने आगे पहले बोला था वार्तालाप में कि जो चीज नहीं आती उसे एक्सेप्ट करने में शर्म नहीं आनी चाहिए। अगर आप उसमें ऐसे होशियारी मारने गए अरे मन चावड़े, तो फिर ऐसा होगा, तो एक्सेप्ट कि आपको नहीं आता। अगर आपको उसके बारे में थोड़ा थोड़ा पता है तो सेंटेंस ऐसा लिखो, आई नो बेसिक्स, ठीक है, मुझे बेसिक जानकारी। आप अगर एक्सेल का सॉफ्टवेयर भी सर्च करेंगे, जैसे आप गूगल पर पूछोगे ट्रेनिंग ऑफ एक्सेल, तो उसमें तीन पार्ट आते हैं, बेसिक, इंटरमीडिएट एंड एडवांस। तो आपको कौन से लेवल की जानकारी है ये आपको खुद को पता करना, ठीक है? गूगल कितने लोगों को पता है कि गूगल क्या कर सकता है? आई कैन एज्यूम कि आप सबको ऐसा लगता है कि गूगल सब कुछ कर सकता है, बराबर? लेकिन क्या गूगल आपका रिपोर्ट बना सकता है? क्या गूगल आपका डेटा सेव कर सकता है? हाँ कर सकते हैं। गूगल आपका डेटा भी स्टोर कर सकता है, गूगल आपके लिए रिपोर्ट भी बना सकता है, गूगल आपके टाइम को भी मैनेज कर सकता है, गूगल आपको यार एंड पे ये बताएगा कि आपने कितने घंटे खाना खाने में वेस्ट किया, उसको डेटा एंट्री देनी है सिर्फ। गूगल कैलेंडर यहाँ पे कितने लोग यूज, तो उस गूगल कैलेंडर को यूज करने के अलावा कभी समरी निकालने की ट्राई की कि मैंने पिछले दो साल में क्या क्या चीजें कितने कितनी बार की? वो एक क्लिक से मिल जाती, लेकिन कब? जब आप उसको सीखें, जब आप उसके ट्रेनिंग नहीं। मैं यहां पे किसी भी सॉफ्टवेयर का प्रमोशन करने नहीं आया, इनमें से एक भी सॉफ्टवेयर मेरा नहीं,
ठीक है, नन ऑफ अस। मैं यहाँ आया हूँ क्योंकि मैं जब आप जैसे स्टूडेंट्स के इंटरव्यू लेता हूँ तब मुझे पता चलता है कि आप लोगों ने बहुत सारा टाइम और पैसा ऐसी जगह पे इन्वेस्ट किया है जो आपको आपके करियर में काम नहीं आता। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा है स्टैट प्रो, ये सॉफ्टवेयर क्या काम करता है कोई बताए? यस प्लीज। मोस्टली स्ट्रक्चर एनालिसिस के लिए, तो उसमें भी बेसिकली सी स्ट्रक्चर होते हैं उसके एनालिसिस। आपने सीखा है वो सॉफ्टवेयर? नो, किसी ने यहाँ पे सीखा है वो सॉफ्टवेयर? बुरा मत मानिए, फ्रेंक होके जवाब दीजिए। पता किया हो किसी ने कि मुझे स्टैट प्रो सीखना हो तो कितना कॉस्ट लगेगा या कितना टाइम लगेगा? किसी ने नहीं किया। ठीक है, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर बनना चाहते हैं? ठीक है, चार लोग ऐसे। अगर आप चार लोग स्टैट प्रो सीखेंगे और उसके पीछे ये बाकी की सारी क्लास स्टैट प्रो सीखेगी तो क्या वो सही है? गलत है। गलत, वेरी गुड। सो आपकी नीड क्या है वो जाने समझे बगैर उस चीज को एक्सेप्ट कर लेना या उसमें आगे बढ़ जाना वो गलत। जैसे यहाँ पे सॉफ्टवेयर का नाम नहीं लिखा है लेकिन मैंने 90% रिज्यूम में पढ़ा है कि कोई भी स्टूडेंट जो पास आउट होता है वो 3D मैक्स सीखता है या 3D एक्स मैक्स या ऐसा कुछ सॉफ्टवेयर है व्हिच इज यूजफुल फॉर मेकिंग 3D। कितने सिविल इंजीनियर्स को आपने देखा है जो 3D बनाते हैं? नो। तो क्यों करना चाहिए वो सॉफ्टवेयर? कोई रीजन? शौक। शौक के लिए करना चाहिए, नॉलेज के लिए करना चाहिए। तो कॉलेज में कम नॉलेज मिलता है तैयारी कौन करते? बस उसने किया इसलिए करने का, मैडम ने किया इसलिए करने का। ऐसा जहां आपका बहुत सारा पैसा लगने वाला है, जहां आपका बहुत सारा टाइम लगने वाला है, वहां पे भी आप तैयारी नहीं करेंगे? तो क्या तैयारी करोगे और कैसे करोगे? तो सॉफ्टवेयर का यूज क्या है? मैंने यहाँ पे कंपोनेंट वाइज अलग अलग सॉफ्टवेयर को अलग अलग वर्टिकल्स के साथ जोड़ दिया। जैसे अगर मैं आर्किटेक्चरल बैकग्राउंड के लिए जाता हूँ तो मुझे ऑटोकैड 2D 3D आना चाहिए, रेविट आना चाहिए, स्केचअप आना चाहिए, 3D मैक्स आना चाहिए। बहुत सारे और भी सॉफ्टवेयर होंगे बट मैं बेसिक आइडिया के लिए कुछ एक सॉफ्टवेयर को यहाँ लिखता हूँ। ऐसा नहीं कि इतने ही सॉफ्टवेयर से काम हो जाए। ठीक है, आप अगर स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं तो रेविट स्ट्रक्चर आता है, सैप आता है, मेविसवर्क्स आता है। स्ट्रक्चरल डिजाइन के लिए आपको स्टैट्रो भी काम आता है, जैसे वो भाई ने बताया। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अगर आप करते हो तो आपको DG2C काम आता है, प्रोकोर काम आता है, Wing 360 काम आता है, विजुअल काम आता है, MS प्रोजेक्ट काम आता है, प्राइम वगैरह काम आता है। इसके अलावा भी एन नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर हैं जो आपको सीखने का मन हो सकता है। बेसिक अगर आप सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आपको अभी कुछ डिफाइंड नहीं है कि मैं फ्यूचर में क्या करूंगा, मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जाऊंगा या कंस्ट्रक्शन कंपनी में जाऊंगा, कुछ भी डिफाइंड नहीं, तो एटलीस्ट आपको इतने सॉफ्टवेयर तो आने ही चाहिए। MS एक्सेल एडवांस, MS PowerPoint, Google Documents, G-Drive and Gmail। आपको ये पता है कि Gmail को आप अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड कर सकते हैं? तो वो पता करो। जैसे अगर आपको पर्सनल, कॉलेज एंड ऑफिस, ये तीन चीजों का डिवीजन करना है, कोई भी ईमेल आए तो आपको पता चले कि ये ईमेल कौन से डिवीजन का है, तो वो कर सकते हैं बस Gmail में वो कर सकते हैं। बट सीखना ऐसे ही नहीं है। ठीक है, गूगल आपके 90% ऑफ डेटा को कैप्चर करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। आप जब अमेज़न पे जाते हो तो आपने लास्ट टाइम जो चीज देखी थी वही चीज बार बार आपके सामने आती है, या आपको ईमेल आने शुरू हो जाते हैं कि आपको ये एयरपोर्ट चाहिए था, ये कभी मिल जाएगा। क्यों ऐसा होता है? दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपका फोन आपके डेटा को कैप्चर करता है और पर्टिकुलर वेबसाइट्स को भेजता है कि ये आदमी इसमें इंटरेस्टेड है।
तो आपके इंटरेस्ट को समझना वो फोन कर सकता है, तो हम ह्यूमंस होके हमारे इंटरेस्ट को नहीं समझेंगे। अगर वो फोन कर सकता है तो हम नहीं कर सकते, हमें ये नहीं पता होना चाहिए कि हमारा इंटरेस्ट किस में है। तो एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, सॉफ्टवेयर लर्निंग इतना जरूरी क्यों है वो मैंने पहले ही आपको बता दिया कि क्यों आगे बढ़ना चाहिए, अदरवाइज होगा नहीं कुछ। हर जगह पे सॉफ्टवेयर डिजिटलाइजेशन सब कुछ आ गया, पहले कैंटीन में जाते थे टोकन लेना देना होता था, प्लास्टिक वाला टोकन आता था, ठीक है। अब आप बहुत सारे ऐसे अच्छे रेस्टोरेंट है वहाँ पे जाओ तो वो टेबल पे क्यू आर कोड आप उसी से ऑर्डर। सो एवरी इंडस्ट्री इज मूविंग, पहले आपको मेडिसिन लेनी होती थी तो मेडिकल तक जाना, अब मेडिसिन भी डिलीवर होती है अपोलो फार्मेसी, ठीक है। क्यों डिलीवर करते हैं आप वेबसाइट से ऑर्डर, सब्जी घर आ जाती है, मतलब आपको बटाटा चाहिए तो बटाटा भी घर पर डिलीवर होता है, मतलब आपको घर से नहीं निकलने देने का पूरा बंदोबस्त किया जा सकता है, राइट राइट फ्रॉम योर मेडिकल इमरजेंसीज टू योर एंटरटेनमेंट्स, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन योर फोन। वर्ल्ड इतना डिजिटल, अभी तो नेविसवर्क्स जो आगे हमने एक सॉफ्टवेयर पढ़ा, वो सॉफ्टवेयर से आप बन रही बिल्डिंग के अंदर जाके डिजिटली चेक कर सकते हैं कि क्या काम हो रहा है, कैसे हो रहा है, यू कैन एक्चुअली फील दैट। जैसे ये बिल्डिंग अगर कंस्ट्रक्शन हो रही है और मैं कहीं दूर कनाडा में बैठा हूँ और मुझे ये अनुभव लेना है कि बिल्डिंग में कैसा काम हो रहा है, आई कैन बी हियर वर्चुअल, मुझे फिजिकली ऐसा फीलिंग आएगा कि मैं यहीं, दैट इज पॉसिबल। सो सॉफ्टवेयर की दुनिया बहुत आगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात अभी तक तो सब पता चल गया कि भाई जो हो रहा था वो गलत भी हो रहा था सही भी हो रहा था, लेकिन सही करने के लिए क्या डिसीजन लेना होता है, कैसे लेना, तो आप कैसे डिसाइड करें, तो सबसे पहले एक चॉइस होता है। आपको अगर लगता है कि आपके सीनियर या आपके जूनियर से मार्केट में या कहीं पे भी इतने सॉफ्टवेयर सीखने को मिलते हैं, तो आप उसका एक लिस्ट होता है कि मुझे इतने सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी है, मैंने खाली नाम सुना, ठीक है। सेकेंड स्टेप करेंगे ये सबका इंक्लूजन और आउटकम क्या है, अब वो कैसे पता करें, तो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स, जैसे लिंक्डइन है, आप सबका लिंक्डइन पे प्रोफाइल नहीं है, जैसे जितने भी लोग इंटर्नशिप में मेरे वहाँ आते हैं एसेक्ट में आते हैं उन सबका लिंक्डइन प्रोफाइल पर आते हैं, ठीक है। लिंक्डइन में आपको साल का कुछ हज़ार रुपये ऐसा कुछ लगता है, आपका एक परमानेंट अकाउंट मिल सकता है, वो परमानेंट अकाउंट से आपको बहुत सारे कोर्सेज के अंदर एक्सेस मिलता है जो आप वहाँ पे डिजिटली कर सकते हैं, वो कोर्सेज से आपको शायद सर्टिफिकेट ना, शायद आपको उतना नॉलेज ना, लेकिन वो कोर्सेस आपको इतना तो दे ही सकते हैं कि उस सॉफ्टवेयर का आउटकम क्या है, और उस आउटकम को देखने के बाद अपने आप को आप ये पूछ सकते हो कि क्या सही में ये मुझे जरूरत है, अगर वो आपको लगता है कि हाँ ये जरूरी है तो, अगर नहीं लगता है तो ना, पर सबसे पहले अगर आपका करियर गोल क्लियर है, जैसे वो मैंने बोला कि स्ट्रक्चरल इंजीनियर बनना चाहता हूँ, हालांकि घर में व्यस्त है बट फिर भी वो स्ट्रक्चरल इंजीनियर बनेंगे, तो तब उनको स्टैक पर काम आएगा, वो उन्हें आज पता है तो आपको वो भी पता होना चाहिए, राइट। सो उसी तरह से लिंक्डइन है, उदेमी है, ये सभी वेबसाइट्स ओपन है, मैं किसी का मार्केटिंग नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पे अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट एडवांस सीखना है तो 500 रुपीस में कोर्स मिलता है, आप 500 रुपीस खर्चा करो, 6 घंटे 8 घंटे 18 घंटे 24 घंटे का एक पूरा ऑनलाइन प्रोफाइल उनका तैयार होता है, जिसमें वीडियोज होते हैं, लिटरेचर होता है, गाइड्स होते हैं, ऑनलाइन क्वेश्चंस होते हैं, वो सब आप गो थ्रू करो, पूरा सिलेबस आपको मिलता है कि माइक्रोसॉफ्ट एडवांस में आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा। अच्छा, वो खरीदने से पहले भी आपको पता चल सकता है कि आप इस कोर्स में क्या सीखेंगे, अगर आपको वो पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि नहीं यार कुछ क्लैरिटी नहीं है, तो 500 रुपये का खर्चा करो वो सॉफ्टवेयर को खरीदो, वो बेसिक ट्रेनिंग जो है उसे खरीदो, 500 रुपीज में 10-12 घंटे का जो कोर्स है उसे गो थ्रू करो, और अगर फिर आपको लगता है कि नहीं सही में अपने काम की चीज़ है तो 25,000 या 50,000 का अपने वहाँ का खर्चा खड़ा होना बनता है, तो पूर 25,000 उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है कि आप 5 ऐसे कोर्स सिलेक्ट करें, 1,500 या 2,500 रुपये डालें और पता करें, तैयारी करें। अच्छा, वो तैयारी करते करते अगर आपको लगा कि मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, मैं तो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ, तो क्या करेंगे, आपके प्रोफेसर हैं,
आपको फील्ड पे विजिट के लिए लेके जाते हैं, राइट। तो वहाँ पे आपको फील्ड एक्सपर्ट से भी बात करने का मौका मिलता है, राइट। तो आप उनसे बात करिए। अगर आपके फैमिली में कोई सिविल इंजीनियर है या आसपास के सर्कल में कोई सिविल इंजीनियर है जो 2-4-5 साल से प्रैक्टिस कर रहा है, उससे जाके मिलिए, उसको पूछिए कि ये सॉफ्टवेयर हैं, इसमें से मुझे ये सॉफ्टवेयर सीखने की इच्छा है, जैसे आपने बोला कि नॉलेज के लिए, तो मुझे ये नॉलेज लेने का मन है, क्या सही में ये मेरे करियर में काम आएंगे या नहीं आएंगे, वो जो सलाह देगा उससे आगे बढ़िए। अगर उसमें भी समझ नहीं आता है तो मेरा नंबर लेना है, प्लीज मुझे कॉल करिएगा, मैं डेडिकेटेडली आपके लिए फोकस। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई 3D Max सीखा हुआ सिविल इंजीनियर मेरी साइट पे या किसी की भी कंस्ट्रक्शन साइट पे जाके क्रेन को ऑपरेट करे। उसे 3D में क्रेन नहीं बनाना, उसे एक्चुअली उस क्रेन को डेवलप करना है, इरेक्शन करना है उसका, उसे बिल्डिंग बनानी है। 3D में वो बिल्डिंग बना चुका है एक बार, लेकिन एक्चुअल कौन बनाएगा? ऑटोकैड 2D 3D आपके लिए जरूरी है, 3D भी नहीं एक्चुअली 2D जरूरी है। क्यों? टू टेक डायमेंशन। अगर आपने बोला कि ठीक है ये 2D ड्रॉइंग में आपको भेज रहा हूँ, आप अपने हिसाब से डायमेंशन दे दो, तू चेक कर डायमेंशन। जब आप बिलीव करते हो तू चेक कर डायमेंशन, एक्सेप्ट डायमेंशन, नथिंग इज। मैंने ऑटोकैड खुद 4 साल तक सिखाया 2D 3D दोनों, बट वो मैंने हॉबी से किया, और वो भी कैसे? रेविट आर्किटेक्चर सीखने की लालच। बट फिर जब सीखा तो पता चला कि यार ये तो कुछ काम का है। बट इफ यू आर अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट या आप एक टर्नकी कॉन्ट्रैक्टर हो तो आपको रेविट आर्किटेक्चर भी काम आता है। कैसे? किसी ने भी यहाँ पे रेविट आर्किटेक्चर कंप्लीट किया है? उसमें से आप क्वांटिफिकेशन ले सकते हैं। रेविट आर्किटेक्चरल आपको बिल ऑफ क्वांटिटीज देता है, अगर वो सही से डिजाइन हुआ है तो। जैसे ये बिल्डिंग है तो रेविट एज एन एक्सपर्ट ही कि आपको पेंट का एक अलग से लेयर लगाना है तो वो लेयर भी पेंट का लगा सकते हैं इन डिजाइन। अगर वो डिजाइन में लेयर लगाया गया है तो आप उस लेयर की क्वांटिटीज ले सकते हैं, तो आपके बिल ऑफ क्वांटिटीज बहुत अच्छे से मिल सकते हैं। बट आपको सिर्फ एज ए सिविल इंजीनियर आपको सिर्फ इतना ही सीखना है कि वो क्वांटिटीज को टेक आउट कैसे, पूरा डिजाइन सीखने की जरूरत नहीं। सो पिक चूज एट सस्टेनेबल सिस्टमैटिक एक्शन, जो पहली लाइन, ठीक है? आगे बढ़ते हैं और थैंक यू। एक और है, सो 2D एंड 3D सीखने के लिए आपने 58 आवर्स लगते हैं। कितने घंटे? 58 आवर्स। MS प्रोजेक्ट सीखना हो तो 11 घंटे में होता है। MS प्रोजेक्ट क्या है किसी को पता है? एनी वन ऑफ यू? सब खड़े हो जाते हैं। हो गए सब खड़े? कितने लोग ऐसे हैं जिसे स्क्रीन नहीं दिख रहा है? सबको दिख रहा है? ऐसे टेढ़े मेढ़े होकर सब देख रहे हैं। अच्छा, 2 हाथ खड़े, 3 हाथ खड़े, जिनको स्क्रीन नहीं, 4 है। ये 4 के अलावा सब बैठ। तो 4 का कितने? 5 हो गए। अरे खड़े रहो भाई, बस ऐसे ही मैं माहौल बना रहा हूँ। सॉरी, बैठ जाओ, बैठ जाओ। मुझे लग रहा सब सो गए हैं, तो थोड़ा जगा दिया। तो MS प्रोजेक्ट इज फॉर प्लानिंग, फॉर शेड्यूलिंग। आपने पढ़ा होगा CPM कोड, ठीक है? अब ये सब चीजों को मैं बोलूं कि एक 2 साल चलने वाला प्रोजेक्ट है, आप उसे पेपर पे प्लान करें। कितने रनिंग फीट लंबा पेपर पेपर चाहिए होगा? और वो करने के बाद भी वो होगा, कितने लोग लगेंगे एक साथ? तो वो सॉफ्टवेयर की मदद से इजीली होगा। तो दैट इज व्हाई MS प्रोजेक्ट एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो प्रोजेक्ट्स को प्लान करने के लिए बनाया गया। उसके अंदर आप सही डेटा अगर डालेंगे तो आपको क्रिटिकल पाथ एनालिसिस भी देगा, डिले एनालिसिस भी देगा, आपको प्रोजेक्ट ट्रैकिंग भी देगा, आपके वीकली शेड्यूल भी देगा, मंथली शेड्यूल भी देगा, कब आपको क्या चीज करनी है वो भी देगा। तो इट इज अ गुड नॉलेज गेनिंग सॉफ्टवेयर।
आप उसको कोई भी सॉफ्टवेयर होगा उसे आप जितना अच्छा फीड करें उतना अच्छा वो रिजल्ट। इट इज लाइक अ डॉगी, सॉफ्टवेयर डॉगी की तरह वफादार होता है। आप डॉगी को जितना अच्छा खाना खिलाओगे वो उतना हेल्दी रहेगा, वो उतना अच्छे से आपके साथ खेलेगा। सो इट इज ऑल अबाउट फीडिंग। आप फीड कैसे करोगे, आप जितना अच्छा खाओगे उतना हेल्दी रहोगे, जितना ज्यादा खाओगे उतना मोटे होगे, ठीक है। सो टू बिकम हेल्दी एंड फीड, फीडिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सो कोई भी सॉफ्टवेयर आपको डेटा फीड तो करना ही पड़ेगा। इंपॉर्टेंट इज हाउ लेस डेटा यू नीड टू फीड। चार सॉफ्टवेयर एक ही काम करते हैं लेकिन चारों में से सबसे कम डेटा फीडिंग लेके अच्छा आउटपुट कौन देता है, दैट विल बी योर सिलेक्शन। दूसरा आता है प्राइमावेरा, सेम अगेन सेम सॉफ्टवेयर है, दोनों में सेम रहता है। इसको सीखने के लिए 16 घंटे 18 मिनट Autodesk Revit 7 घंटे 51 मिनट, Stat Pro 14 hours, Microsoft का अगर पूरा पैकेज आपको सीखना हो Excel, Word, PowerPoint and other things also Access and G Drive and वो सब भी मिला कर लेंगे तो 70 hours का पैकेज। अब आप अपने लाइफ के इतने इंपॉर्टेंट आवर्स जहाँ पे आपको Instagram सॉल्व करना है, फेसबुक भी देखना है, पोस्ट भी डालनी है, रील भी बनानी है, वाइवा भी देने हैं और मेरे जैसे लोग आए तो हमें सुनना भी है, तो क्या आप इसको इन्वेस्ट करना चाहेंगे? और ऐसे ही फेंक देंगे कि चलो 72 घंटे दे दिए ले जाओ और पैसे भी दे दो, भैया हमें 72 आवर्स बैठ के कुछ सीखना है जो हमारी लाइफ में कुछ काम आने वाला है नहीं, बट हमें बस शौक है तो हम आ गए, आप पैसे भी ले लो, हमें बिठाओ और मस्त हमें आराम कराओ और जो सिखाना है वो सिखाओ और पैसे ले लो। तो क्या वो हमें करना है? नहीं करना है। तो नहीं अभी फ्यूचर, तो फिर से वो दूर वाली ट्रेन थी ना वो नजदीक आने देखो अच्छा शेड भी दिख रहा है, राइट। सो ये आदमी कौन बनना है? आदमी या औरत ही हो सकती है, आपको बनना है। इतना लंबा लेक्चर दिया सबके हाथ तो खड़े होने चाहिए नहीं यार, ये तो बनना चाहते ही ना कि नहीं चाहते, लेकिन सिविल इंजीनियर सॉफ्टवेयर तो छोड़ो सिविल इंजीनियर कर रहा है चाहे लॉयर हो गए देखो टीम भी है। तो आधे ही लोग हैं जो सिविल इंजीनियर बनेंगे सर, आप बाकी को पढ़ाना छोड़ दो, उनको बोलो भाई तुम चॉइस करो क्या बनना चाहते हो, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट सिविल इंजीनियरिंग फ्यूचर। आप सिर्फ गूगल करेंगे कि सिविल इंजीनियरिंग फ्यूचर तो वहां पे आपको रोबोट दिखेंगे, आपका ड्राइंग रोबोट कर रहा है, काम रोबोट्स कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आईटी की फील्ड हमसे ज्यादा एक्टिवली डिजिटल हो रही है। मैं डरा नहीं रहा हूं लेकिन अगर आप लोग सही में डिजिटल नहीं होंगे तो यकीन आएगा कि आप बैठ के डेटा एंट्री का काम करेंगे किसी रोबोट के, क्योंकि रोबोट चलेगा ह्यूमन से, उसे फीड हमें करना पड़ेगा, लेकिन अगर वो फीड करना हमने नहीं सीखा तो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे? आज रोबोटिक्स के बच्चे हैं, जब आपका टेक फेस्ट होता है तो वो लोग कैसा करते हैं, काम लेके आते हैं रोबोट लेके आते हैं, तो हम लोग क्या लेके जाते हैं, कभी इनोवेटिव सोचा हम लोग, वही अपना वो ब्रिज वाला बनाने का, वजन लटकाने का, अभी ये फिर टूटेगा नहीं, बराबर राइट। हमने कभी ऐसा सोचा कि हम पटरी को ऊपर लटका देंगे और लटक के भी ट्रेन लेके जाएंगे और वो जो पूरा ब्रिज होगा उसको कहीं पे सपोर्ट की जरूरत नहीं, सोचा कभी ऐसा? ये उड़ने वाली ट्रेन बनाएंगे ना डबल डोर वाली, नहीं सोचा। तो सोचो ये हो सकता है, कोई भी थॉट जो आपके दिमाग में आता है उसे सीरियसली लो, उसे सीरियसली लो और आप लोग वो करने के लायक हो, कर सकते हो। जब इतने छोटे थे तो डैडी ने सोचा था कि मेरा बेटा सिविल इंजीनियर बनेगा या मेरी लड़की सिविल इंजीनियर बनेगी, इसमें से आधे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे फीमेल्स के बारे में बात करो उनके फैमिली में बीवी कोई भी सिविल इंजीनियर नहीं होगा, है सबके फैमिली में है सिविल इंजीनियर, तो क्यों लिया सिविल इंजीनियर, आप तो लड़की हो, ऐसा बोलते हैं ना सब कि लड़की सिविल इंजीनियर में क्या करेगी। 30% of project management staff in India is female.
30%। क्यों पता है? बहुत ब्लंटली बताऊंगा, लड़कियां सिगरेट नहीं पीती, लड़कियों को फोन कम आते और लड़कियां एक जगह टिक के बैठ के काम कर सकती, लड़कों से ये नहीं होता। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट फोकस, सिविल इंजीनियरिंग इज ऑल अबाउट फोकस। सो यू आर प्रिविलेज्ड कि आपने सिविल इंजीनियरिंग लिया है, आपके लिए बहुत बड़ा स्कोप है, बहुत बड़ा करियर है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। दूसरा कोई नहीं खासेगा, नो कॉपी, सीरियस प्रॉब्लम है। सो ऐसा नहीं कि लड़कों के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है, लेकिन आप लोग सीरियस नहीं रहोगे तो वो 30% का हिस्सा 50% बनेगा, 50% का हिस्सा 100% बनेगा। मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं और ना ही आप लोगों को होनी चाहिए, बट मैं चाहता हूं कि आप लोग सब लोग मिलकर अपना 100% दें। सिविल इंजीनियरिंग के फील्ड में जब हम पढ़ते थे, जब मैं डिप्लोमा करता था ना, तो हमारे पूरे बैच में 3 लड़कियां। क्यों? क्योंकि सबको ऐसा ही लगता था कि सिविल इंजीनियरिंग मतलब धूप में खड़े रहने का और वही मजदूर से काम करना, बट डेफिनेशंस आर नाउ चेंज। ये जो सॉफ्टवेयर आ गए हैं, ये जो फ्यूचर आ गया है, इट इज नाउ एक्सट्रीमली चेंज। सो कॉम्पिटिशन बढ़ने वाला है बॉस। सो अभी थैंक यू बोले, एक और है। आपको कोई भी सवाल हो, दिल में आ रहा हो, दिमाग में आ रहा हो, या किसी ने मैसेज करके बताया हो कि तू जा रहा है तो ये जरूर पूछे, तो पूछ सकते। 5 सवाल तो कम से कम बनते हैं। एनी ऑफ यू? देखो सिविल इंजीनियर के लिए हिम्मत बहुत बड़ी चीज होती है। रोहित भाई का कब से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, वेरी मच अग्रेसिव एंड हिम्मत भी है। पीछे भी थोड़ी थोड़ी डेवलप हो रही थी, मोबाइल में बिजी हो, राइट है ना, तो थोड़े खड़े हो जाओ, दूसरा सवाल पूछ दो तो वापस से एक्टिव हो जाओगे। मन नहीं है जाने तो कौन ही पूछेगा। एनी वन ऑफ यू बी फ्रेंड, कोई मैं यहाँ कल तो वापस नहीं आया, सो डोंट फील बैड कि आपको मुझे झेलना है या बोलना पड़ेगा या बात करनी है। कम ऑन एनी वन? यस यस अगेन फेवरेट स्टूडेंट का सर, मेरा एक क्वेश्चन है, मतलब स्ट्रक्चरल इंजीनियर बनने के लिए कब सीखना चाहिए? जैसे अभी मैं सोचता हूँ तो मेरे को बहुत प्रेशर में सोचता हूँ कि वो जब कभी सॉफ्टवेयर सीख लूँगा तो प्रैक्टिस तो हो ही नहीं पाएगी, तो वो कब सीखना चाहिए और कौन से सॉफ्टवेयर से सीखना चाहिए? बाइक कब चलेंगे? बाइक तो सर मैंने ऐसा 10 साल से चला, तो ऐसा नहीं सोचा लाइसेंस नहीं है तो सर, लेकिन तब तो वहाँ पुलिस भी नहीं होती हमारे वहाँ गाँव में। तुमको पापा ने बाइक दी थी? सर मतलब मेरे घर में बाइक नहीं थी। अच्छा फिर भी सीख तो ऐसा डर नहीं लगा कभी बाइक चलाऊंगा फिर प्रैक्टिस छूट जाएगी तो अभी नहीं सीखता? लेकिन सर बाइक नहीं, मुझे बरकत नहीं आ रही। तो परफेक्ट बाइक कब चलाए? सर लाइसेंस मिलने के बाद। फिर तुम्हारी बाइक खुद दे दी थी, चार लाइसेंस मिला कर लिया बेटा बाइक। अब सर लाइसेंस मिल गया तो मैं एक लड़का घर में भी चलाने देती, तो फिर भी अभी डर नहीं लगता है कभी सीखी है तो भूल तो नहीं जाओ है? तो कोई भी चीज़ जो जिंदगी में सीखेगा वो कभी भी भूलते नहीं है। आप लोगों को लगता है कि हम अभी ये करेंगे फिर कल भूल जाएंगे, आप कॉलेज में भी जो सीखते हो वो सब आपको याद रहता है। इट इज़ ऑल अबाउट इंटरेस्ट, अगर आपको सही में उस चीज़ को इंटरेस्ट में लाना है तो सीखो। प्रैक्टिस अगर आपको करने का मन होगा तो आप कर ही लो। सबसे बेस्ट आइडिया बताता हूँ, इंस्टाग्राम और फेसबुक को डिलीट करो, तुम्हारे पास टाइम ही नहीं। देखो तुम ही सवाल पूछ रहे हो, मतलब तुम्हारे पास टाइम है सवाल पूछने का, बाकी लोगों को मैसेज ही जा रहे हैं। सो इट इज ऑल अबाउट कि कभी भी कोई भी टाइम सही होगा। अगर आपको टेक्निकली इवैल्यूएट करना है तो आपने वो सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा है, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग डिजाइन है तो आता है वो पढ़ा है, एसटीडी 1 2 पढ़ लिए, बट आपको उसमें मार्क्स अच्छे मिले हैं नहीं? सर नहीं, आप उसको अच्छा और करेंगे। मतलब मैं एमबीए से कोर्स करता हूं, सॉरी एमबीए से मतलब कोर्सेस और एमबीए करता हूं, ओके, उसके लिए भी थोड़े से मार्क्स।
तो अभी आपको फ्यूचर में एडमिशन लेना होगा मास्टर्स में, जैसे आप सीधा अपने ऑफिस को देंगे मास्टर्स, तो मास्टर्स करने से पहले आपके पास फ्री स्लॉट जब उसके फॉर्म्स भरते हैं तब आपके पास टाइम रहेगा, तो उस टाइम पे आप सॉफ्टवेयर को सीख सकते हैं, ताकि उसी टाइम पे आप उस पर अगर लैपटॉप पी सी या कुछ भी अवेलेबल है तो आप उसे प्रैक्टिस करें, ठीक है। और जब आप सीख रहे हो क्या आपको मेजर प्रैक्टिस कभी चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप कोई सॉफ्टवेयर को रोज प्रैक्टिस करते रहना है सीखने के बाद भी, आप प्रैक्टिस करो तो बहुत अच्छा है, आपका हाथ बना रहेगा कभी कोई नहीं, लेकिन अगर नहीं भी कर पाते हैं तो क्योंकि जो चीज़ आपने एक बार सीख ली, जैसे आपको सबको चलना आता है, मैं बोलूँ छः महीने बैठ से कोई नहीं उठेगा चलना भूल जाओगे नहीं, बट पहली बार पैर रखोगे तब थोड़ी सी तकलीफ, क्यों, क्योंकि वो पैर को आदत नहीं है, वो आदत लाने में कितना टाइम लगता है, एक दिन दो दिन फिर थोड़े दूसरे छः महीने आप बैठे रहोगे बोलोगे नहीं यार तो पैर चल ही नहीं रहे, चल नहीं जाते, ऐसा नहीं होता, सो वो भ्रम आ जाएगा, नहीं आएगा तो आपके अपने नोट्स तो है ही, जब सीखे थे तब वो नोटबुक संभाल के रखो, पीडीएफ कुछ करके रखा होगा, जब आप सीखोगे तो अपने नोट्स बनाओगे या तो कुछ कुछ स्क्रीनशॉट्स लोगे, उसको एक अच्छे फोल्डर में अच्छी जगह पे रखो ताकि जब आपको नहीं समझ आए तो उसे आप रिकॉल कर सको, यस राइट। सो ऐसा मत सोचो कि कोई भी चीज़ करने के लिए कोई भी टाइम सही या गलत होता है, इट इज ऑल अबाउट आपके पास टाइम होना चाहिए, यस ठीक। थैंक यू सर। किसी और का कोई सवाल? यस प्लीज सर, मुझे आफ्टर बी सिविल की फील्ड में नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना? मुझे नहीं जाना है, तो मुझे ऑटोकैड सीखना चाहिए। उसमें क्या, मुझे नहीं पता है क्या होता है, बताऊँगा आपको क्या बता रही है, इंडिया की हिस्ट्री है वो पढ़ना चाहिए और सिविल के लगभग मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट क्लियर करना, मतलब आईएफएस करने के बाद आप करियर में क्या डेवलपमेंट करोगे, आप जॉब करोगे कितना बिजनेस करोगे, कि वो जॉब में आपके रोल क्या होंगे, फॉरेस्टर में ऑफिसर, तो उसके लिए सिविल इंजीनियर बनना जरूरी है, तो फिर भी आप वो करोगे ऐसा मैंने सोचा है, चलो अच्छी होगा। तो आपने पहली चीज़ क्या की, सबसे पहली चीज आपने क्या की, रिसर्च किया क्या आईएफएस में क्या होता है, राइट। सिविल के बाद भी अगर आपको ड्रीम लगती है तो अच्छी बात है, मैं मना नहीं करूंगा, चॉइस इज योर्स। अगर आपको ये पता है कि फॉरेस्ट में क्या क्या काम कराते हैं तो ऑटोकैड क्या होता है पता है, तो पता करो, सीधा सवाल मैं जवाब दूंगा नहीं पता, बट पता तो करो कि क्या कराते हैं, क्या पता आप ऑटोकैड सीख के फॉरेस्ट में भी कुछ डेवलपमेंट कर पाए, क्योंकि जानवरों को भी डिजिटाइज तो करना पड़ेगा, लाइन तो वहाँ पर भी चाहिए, अगर ये फॉरेस्ट ऑफिसर बन गई और आपको लगना चाहिए तो किसके पास जाना पड़ेगा बॉस, कंस्ट्रक्शन में लगना तो लगता है ना, फर्नीचर अच्छा अच्छा बेड वाला टीकूड वाला चाहिए तो वो टीकूड आता कहाँ से, फॉरेस्ट से, तो सब लोग नाम लिख लो इसका, सो जस्ट क्रिएट। आप अगर वो करना चाहती हैं तो आपको ऑटोकैड सीखने की जरूरत नहीं है, बट अगर आपको नहीं मिल तो ऑप्शन नहीं, तो सोचो हमेशा प्लान बी रेडी रखो, हमारी लाइफ में हम हमेशा प्लान बी रेडी रखते हैं, जैसे सुबह बाइक चालू नहीं ऑटो लेके जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि वो अवेलेबल है, बस अगर आप जंगल में रह रहे थे, गरीब भाई भी रह रहे थे गाँव में रह रहे तो वहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना ईजिली अवेलेबल नहीं, तो वो क्या करेंगे अगर एग्जाम है तो वो पहले से ऑटो वाले को बोल के रखेंगे कि भाई तुम कितने बजे यहाँ आ जा, फिर भी उनको डर है कि शायद मैं आ तो पापा को बोल के रखेंगे कि पापा आप थोड़ा लेट जाना, मेरा ऑटो वाला आ जाए बाद में, राइट। सो इट इज ऑल अबाउट योर रेडीनेस, ऑटोकैड फॉरेस्ट के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप सीखेंगे तो आपको फायदा होगा, एग्जाम्पल मैं नहीं चाहता कि आपको वो नहीं मिले, पर नहीं मिला तो आपको सिविल इंजीनियरिंग आगे करना ही पड़ेगा, तब आपको होगा और आपको तब भी सीखे, ऐसा नहीं करते एनीवन, अरे बहुत सारे क्वेश्चन आप बोल रहे हैं, यस किसी को इंडियन ऑफ में जाना आपको जाना तो बोलो मुझे इंडियन ऑफ में शर्माते क्यों जाना है, लोग क्या करेंगे,
अभी तो आप सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हो, तो इंडियन आर्मी में एडमिशन कैसे लो, किसके बेस पे लो? सीडीएस से लो। हां बाय डिफेंस से लो। ओके, उसमें एलिजिबिलिटी के लिए ग्रेजुएशन करते हैं। तो आपके ग्रेजुएशन को ध्यान में रखते हुए क्या आपको वो लोग सिविल का काम भी दे सकते हैं? सर अगर मैं अपना टेक्निकल से जाऊंगा तो आपका क्या कहना है? टेक्निकल से जाने का क्या है? तो आर्म फोर्सेस, आर्म फोर्सेस क्या हो? तो आर्म फोर्सेस में तो आपको कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए, गन कैसे बनाते हैं, कैसे लोड करते हैं, वही सीखना, ठीक है, बिना पानी के कैसे रहते हैं, तो सिविल इंजीनियरिंग जरूरी है, बराबर है ना? कि जब पहली बार जंगल में जाते हैं साइट के ऊपर, तो पता है आपको इतनी इतनी घास होती है साइट के ऊपर, जब आप जाते हैं अर्बन अर्बन डेवलपमेंट की जो साइट होती है, टाउनशिप होती है, तो वो लोग को ऐसे लैंड ऐसे लेवल करके नहीं देते, इतनी इतनी ऊँची ऊँची घास होती है, लोग जाते हैं तो खो जाते हैं और बहुत बड़े बड़े सांप निकलते हैं, जानवर निकलते हैं। तो हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि यहाँ सही में हम ग्रेजुएट हैं, सही में इंजीनियर हैं, तो ये सब साफ करके लगता है, और वो पूरा प्रोजेक्ट साफ होने के बाद शायद ऐसा होता भी है कि भाई अभी प्रोजेक्ट करने का मूड नहीं है क्लाइंट, तो वो छः महीने होल्ड पर चला, तब तक फिर इतनी घास हो जाती है, ठीक है। सो इट इज ऑल अबाउट, आपके सवाल का सही जवाब देता हूँ कि आपको सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि टेक्निकल होने के बावजूद भी आप अगर एक्सेल सीखेंगे या पावर पॉइंट सीखेंगे, जो बेसिक सिविल इंजीनियर के सॉफ्टवेयर में होता है, वो अगर आप सीखते हैं तो आपको इंजीनियरिंग के अलावा काफ़ी जगह पर काम, ठीक है, जैसे आप टेक्निकल में जाओ तब भी आपको अपने घर के साथ तो कनेक्शन बनाए रखना होगा, आपके डेटा को सेंट्रलाइज करना होगा, क्योंकि आप तो कहीं और सर्विस दे रहे हो, आपका फैमिली कहीं और है, तो कॉमन डेटा कैसे रखेंगे, तो आपको जी पी एस कैसे ऑपरेट करते हैं वो सीखना पड़ेगा, प्राइवेसी कैसे मेंटेन करते हैं वो सीखना पड़ेगा, तो उसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर, एक्सेल में आप अपना हिसाब रख सकते हैं, उसको ग्राफिकल फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं, तो काफ़ी सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो सिविल इंजीनियरिंग के अलावा भी आपकी रूटीन लाइफ में काम आए, वो आप यस फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। सर आप स्पाइस फील्ड को कैसे देखते हैं, मतलब मीडिया में और फॉरेन में कैसे आपको मतलब अगर हम इंडिया में कंपैरिजन करें कस्टमर सब चेक कर लो तो वो टेक्नोलॉजी अभी है नहीं, इसलिए अगर दुबई जैसे देश को कंपेयर करें तो उसको कैसे इंप्रूव करेंगे? कैसे नहीं है आने वाले, जैसे कैसे नहीं है, कौन सी टेक्नोलॉजी नहीं है, जैसे कि अभी ऐसा माना जाता है कि दुनिया की जो 75% जो ब्रेन है वो दुबई में काम करती है। अभी गूगल किया? नहीं अभी नहीं, मैंने पहले किया। तो किससे पता चला? गूगल, गूगल सीखा वो आगे। तो ये जो फॉरेन फॉरेन जाने का जो स्कोप है वो अच्छा है या बुरा है? मैं यहाँ सॉफ्टवेयर के बारे में बात कर रहा हूँ, तुम्हारे करियर के बारे में नहीं। अभी तुम फर्स्ट ईयर में हो, कैनेडा जाने का मेरा विचार है क्या? कोई रिलेशन है? तो मुझे आना नहीं आता, मैं खुद कह रहा हूँ। तो डोंट वरी, आंसर देता हूँ, देख लेट मी आंसर देता हूँ। सो सबसे पहला क्वेश्चन तुम्हारा था कि फॉरेन कल्चर में बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है जो इंडिया में नहीं, सो वो आएंगे। इंडिया के पास भी काफ़ी सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो फॉरेन कंट्रीज में नहीं है। क्या है वो टेक्नोलॉजी पता है? लेबर, लेबर टेक्नोलॉजी नहीं है, लेबर ही है। इंडिया से नहीं मिलाना पड़ेगा इसलिए वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं। वो टेक्नोलॉजी को बनाने वाले लोग, आपको ये पता है कि फॉरेन की कितनी सारी कंट्रीज ऐसी हैं जिसमें हमारे बहुत सारे साइंटिस्ट बहुत सारी टेक्नोलॉजीज को डेवलप करते हैं, और जितनी भी टेक्नोलॉजी जो आईटी फील्ड से रिलेटेड है, आपको पता है 70% ऑफ टेक्नोलॉजी जो पूरे वर्ल्ड में बनती है वो इंडिया से ऑपरेट होती है। कोई भी आईटी ऑफिस में बैठा हुआ बंदा, अगर आपका फ्रेंड है या कोई कलीग है या कोई जानते हो, उसे पूछना कि तू कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, वो इंडिया का नाम नहीं लेगा। ऑटोडेस्क को अगर कुछ काम कराना हो तो वो आईटी कंपनी को हायर करेगा, ठीक है, वैसे ही प्रोकोर को कुछ काम कराना होगा तो वो भी आईटी कंपनीज को हायर करेगा, और वो सारी आईटी कंपनीज इंडिया में, टेक्नोलॉजी हम बनाते हैं,
लेकिन अडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी का जो रेट है वो इंडिया में सबसे लो है। हम बनाने में होशियार है, हमारे आई टी फील्ड जो है, आई टी स्टूडेंट जो है, आपके भाई सब या बहने सब बहुत एक्टिव है, लेकिन हम उतने एक्टिव नहीं हो पाए। जैसे मोदी जी ने बोला कि अगर डिजिटल नहीं होगे तो मैं बैंक में से पैसे नहीं निकालूंगा, तो हम सीखे, हमने डिजिटल करने के लिए ओके किया। ये कंप्यूटर कितने सालों से अवेलेबल है इंडिया, लेकिन आज भी 50% घर ऐसे हैं जहाँ पर लैपटॉप कंप्यूटर नहीं है। क्यों नहीं है? जरूरत ही नहीं है, फील ही नहीं होता कि जरूरत है। इलेक्ट्रिक बाइक आ गई, इलेक्ट्रिक कार आ गई, हम नहीं खरीद रहे। क्यों? चार्जिंग काम करेंगे, ये काम करेंगे, 50 लाख इन्वेस्टर यहाँ पर, उसका आंसर हम नहीं दे रहे। सो अडॉप्शन रेट जिस दिन बढ़ जाएगा उस दिन इंडिया बाकी सब कंट्रीज से भी ज्यादा प्रोग्रेसिव होगा और ज्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी में काम करेगा। तो फर्स्ट, सेकंड, करियर तुम्हारा खुद का है, तुम खुद डिसाइड करोगे। मैं कैसे बोल सकता हूँ कि तुम्हें वहां जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, है ना? तो देखो फिर, चॉइस इज योर्स। थैंक यू। यस मिस्टर सिया, जैसे आपने बीच में बताया कि आपने कितने इंटरव्यू लिए हैं और आप डिसअपॉइंटमेंट होते हो, खुद सवालों के जवाब तुम्हें खुद ढूंढने हैं, इसीलिए मैंने इतना बड़ा लेक्चर दिया, वरना मैं लिस्ट नहीं भेज देता। इसीलिए वालों को इतने 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 करा दिया। क्या एग्जामिनर क्वेश्चन पेपर क्यों दे दे? एग्जामिनर क्वेश्चन पेपर क्यों दे दे? अच्छा हां, वैसे प्रॉब्लम नहीं है, उसका प्रॉब्लम ही है, लेकिन एग्जामिनर ने अभी ये बताया कि क्वेश्चन पेपर बनता कैसे, लेकिन आप अपनी रिसर्च, क्योंकि देखो कोई भी चीज होती है ना, एक बेसिक एग्जांपल देता हूँ, जैसे लड़कियों के लिए मैं पूछूंगा ये सवाल, वो तो पहले ऐसे हो गया, मुझे ना नहीं। सो बेसिक क्वेश्चन कि आप खाना नहीं बनाते हो अभी, ऐसा मैं अज्यूम करूं, बनाते भी होंगे बट मैं अज्यूम करता हूं नहीं। और एक दिन आपने खीर बनाई तो आपको कैसा लगेगा कि ये तो आउट ऑफ वर्ल्ड है, मतलब इससे अच्छा कोई नहीं। अपने मास्टर शेफ की भी बात करेंगे, लॉकडाउन मास्टर शेफ, सब ने ट्राई किया हो, मैक्सिमम पानी को बाहर से खरीद के लाओ, पानी घर पे बनाओ, डाल दो खाओ, और आप मास्टर और केक भी था, है ना? बहुत सारे इंस्टाग्राम पे वॉलिंग था और फेसबुक पे था और व्हाट्सएप पे काफी मिल था। तो केक, तो जो चीज आप खुद बनाते हो आपको बिना टेस्ट किए वो अच्छी लगती है, क्यों? क्योंकि आपने खाया। तो जब तक आप ये खुद डिराइव नहीं करोगे आप कैसे उसको ओवर करोगे? लाइफ के सारे डिसीजन आप लोग खुद लेना चाहते हो, है ना? ऐसे बाल कटाऊंगा, यही पैन पहनूंगा, यही शर्ट पहनूंगा, यही टी शर्ट पहन के जाऊंगी, उसको मैं ऐसे ही लूंगा, नहीं तो नहीं चाहिए, मोबाइल तो यही वाला चाहिए, राइट? यू वॉन्ट, मेरा भी वही काम है, सही कि मैं कोई अलग हूँ। हम सब लोग अपने डिसीजन खुद लेना चाहते हैं, लेकिन जब कभी भी कोई रिस्पॉन्सिबल चीज की बात आती है तब हम सीधा सीधा किसी को पूछना चाहते हैं कि भाई तू बता दे मैं करूँगा। क्यों? हम हमारी रिसर्च नहीं कर सकते, शादी करनी है सबको, आगे जाना तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले होंगे, और नहीं हो तो कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप शादी करने चाहते हो तो अरेंज मैरिज और लव मैरिज में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। अरेंज मैरिज में लव मैरिज में डिसीजन मेरा था, मैं कूदा गिरा, लेकिन डिसीजन मेरा था, राइट? सेम है।
अगर आपको अरेंज में जाना है रेडी रहो, धक्का कभी भी लगेगा। सो नॉट अ पॉइंट, सिर्फ हंसने की बात है। शादी बहुत बड़ा है कि रिश्ता है, जो करने के बाद ही पता चलता है कि इट इज हाउ टू रिलेशन। सो बेसिक आंसर ये है कि आपको खुद रिसर्च करनी है। अगर आप उसमें टाइम पे रुक जाओ या कोई सवाल का जवाब नहीं मिले तब वो सवाल आपको पूछना है किसी एक्सपर्ट से। रिसर्च खुद करो, मैंने बहुत सारे रिश्ते बनाए, और कम पड़ जाए तो मुझे कॉल करो, ठीक है। और कोई मेरी बात पूछो। यस सर प्लीज। नहीं मैं बोल दूं आवड़े एनीवन फ्रॉम गर्ल्स, कोई पूछता नहीं है। मैं आपको धक्का है सबको, किसी ने भी सवाल पूछा तो देख लेना। सर आपका कोई क्वेश्चन हो? नहीं बच्चों को पूछ लो बोल। सो अगर क्वेश्चन नहीं है तो कैन वी रैप अप? थैंक यू एवरीवन। मुझे